हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही है भाई लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिफिकेशन नंबर RRC 01/2019 की तरफ से 1,03,700 के आसपास यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी निकल चुकी है भाई लोग। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट पॉइंट्स मैन, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और बहुत 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 सारी वैकेंसी है। 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी है। डिटेल में हम इसी के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या है खास, क्या खास नहीं है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह होने वाला है एग्जाम, हर चीज बताता हूँ। आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, वीडियो को शेयर करना तो बनता है अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है मुझे, मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट आपको लगातार बना के देते रहने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, RRC 01/2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट पॉइंट्स मैन, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज CNW डिपो के अंदर, लोको शेड के अंदर, ट्रैक मशीन के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंसी 1,03,770 के आसपास, जिसमें अनरिजर्व्ड है 42,355, SC के लिए 15,559, ST के लिए 7,984। तो इस तरह से वैकेंसी टेबल भी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। और ये जितनी भी पोस्ट है भाई लोग, ये लेवल वन के अंदर आती है, 7 CPC में लेवल वन के अंदर आने वाली ग्रुप डी की सारी पोस्ट है। 10th पास आउट वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/3/2019, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन 12/3/2019, यानी कि 12 मार्च से एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे और 12 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे CBT का टेंटेटिव शेड्यूल भी दे दिया गया है, जो कि होने वाले September-October 2019 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 12/4/2019 तक आपकी जो पढ़ाई है, आप 10th पास आउट बेसिकली हो जाने चाहिए 12/4/2019 तक। अगर अभी आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी यहाँ पे पोस्ट है, 10th पास आउट वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप अभी 10th पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसके बाद एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया गया है। पहले आपका CBT होने वाला है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम वगैरह आपके होंगे। प्रिफरेंस ऑफ पोस्ट, आप 10th पास आउट है, आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो प्रिफरेंस ऑफ पोस्ट का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपनी प्रिफरेंस ऑफ पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट को प्रिफरेंस देना चाहते हैं वह आप दे सकते हैं। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, A2, जो यहाँ पे सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है, असिस्टेंट पॉइंट्स मैन की पोस्ट के लिए है। डिस्टेंस विजन 6x9 विदाउट ग्लासेस और नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन टेस्ट ये पास करना जरूरी है। इसके बाद और भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, तो ये थोड़े इजी स्टैंडर्ड है, यहाँ पे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, 18 से 33 साल, 18 से 33 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अगर आप अनरिजर्व से अप्लाई करते तो 2/7/1986 के बाद अगर आप जन्मे हैं, जनरल वाले हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ITI के बाद जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है रेलवे से वह भी अप्लाई कर सकता है। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, NCVT का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पे 500 रुपीज रखी गई है। अगर आप CBT देंगे तो CBT के बाद आपको 500 में से 400 रुपए वापस हो जाएंगे, जबकि SC ST माइनॉरिटी फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने की फीस 250 रुपीज रखी गई है, और अगर आप CBT देंगे तो पूरे के पूरे 250 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, बकायदा यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। अगर हम CBT के पैटर्न के बारे में बात करें तो CBT 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का होगा, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, सिलेबस हमें पूरा डिटेल में दे दिया गया है। इसके बाद अगर PET के बारे में बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें, तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग PET होने वाला है। मेल की बात करें तो आपको 35 किलो वेट उठाना पड़ेगा और 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 2 मिनट में, बिना उस वेट को जमीन में रखे। और दूसरा है आपको 1000 मीटर रन करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा 4:15 में एक ही चांस में। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को 20 किलो वेट उठाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा 100 मीटर 2 मिनट में एक ही चांस में, बिना वेट को नीचे रखे। और
दौड़ के दिखाना पड़ेगा 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही चांस में। तो ये पीईटी का भी हमको चीजें यहाँ पे डिटेल्स हमको दे दी गई हैं। इसके बाद कौन कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, तो यह सब चीजें, यह सब डिटेल्स इन द एंड आखिरी में हमें नोटिफिकेशन में नजर आ जाएगा। यहाँ पे 10th पास आउट वाले हर कोई अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप बी बीटेक हो, डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई नहीं भी किया आपने तो भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है डिटेल नोटिफिकेशन, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अलग अलग आरआरबी में कहाँ पे कितनी पोस्ट है उसकी भी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वैकेंसी की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना पसंदीदा आरआरबी, एक से ज्यादा आरआरबी तो आप चुन सकते नहीं है, तो आप ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा आप क्या चुनना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अप्लाई करने वाले तो जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।